तरीके से करवाने के लिए जो बेटिया पंछी एक डाल के सभी सदस्यों ने मिलकर के इसको पूर्ण रूप से आज 72 घंटे और 15 मिनट बाद पूर्णावति करके इसे राम ने खुद ने स्वयं ने आयोजित किया है और जिसके लिए बेटिया पंछी एक डाल को नियुक्त किया था कि इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से सही तरीके से करवाने के लिए जो बेटिया पंछी एक डाल के सभी सदस्यों ने मिलकर के इसको पूर्ण रूप से आज 72 घंटे और 15 मिनट बाद पूर्णावती करके इसे समाप्त किया। उसके तत्पश्चात 56 भोग की झांकी का निर्णय भगवान राम द्वारा लिया गया, जिसको संस्था के सदस्यों ने मिलकर के 108 से ज़्यादा भी बढ़ा करके और भगवान प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय इस चीज़ का भोग लगाया जा रहा है। इस तरह से आरती करी गई आज, आरती बहुत भव्य करी गई भगवान प्रभु श्री राम की, और उसके बाद अभी लाइव प्रसारण चल रहा है भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना का। आपका नाम बताइए। नवीन महेश्वरी। आज सैकड़ों वर्षों के बाद हिंदुओं के स्वाभिमान से जुड़ी हुई हमारी भगवान की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और इस उपलक्ष में हम लोग इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि भगवान राम ने कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश निकलवाया जब सब लोग अवसाद ग्रस्त थे, और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2024 में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य कार्य, दिव्य अनुष्ठान आज हम सब लोग साक्षी भाव में यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, और भगवान राम को स्मरण करके, भक्ति का पाठ करके, भक्ति का अनुगमन करके 72 घंटों का हनुमान चालीसा का आयोजन अखंड रूप से हमने तोला बाटा मन्ना हवेली में आयोजित किया। साथ में यज्ञ का कार्यक्रम भी साथ ही साथ था। मुझे प्रसन्नता है हम सब लोग इस दिवस को दिवाली के रूप में मनाएंगे। मैं साध्वी अनादी सरस्वती, जय सिया राम। यहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ है, यहाँ आज हवन की पूर्णाहुति की गई है भव्य रूप से। सारे अजमेर वासी देखिए आप, भीड़ हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ विराजमान है, और बड़ी धूमधाम से आज यहाँ 10 बजे 19 तारीख को 9:15 पे हनुमान चालीसा का पाठ हवन सहित प्रारंभ हुआ, और आज 22 तारीख को 10 बजे समाप्ति हुई है हवन की। तो 72 घंटे लगातार निरंतर आहुतियां डली हैं, रात्रि में दिन में आहुतियां डली हुई है, और बहुत भव्य यहाँ का वातावरण तो हो ही रहा है, और सारे देश को खुशी है। महाराज जी भी पधारे, अनादि जी, सरस्वती जी, और सारे अजमेर वासी तो पधारे ही हैं, और भव्य रूप से बड़ी प्रसन्नता से सभी लोगों ने इसमें भाग लिया, जोश के साथ सभी ने भाव लिया, और सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आपका नाम? मेरा नाम कार्षणी भरत जी महाराज, कोटा। आज 72 घंटे का जो महायज्ञ हमने आरंभ किया था वो बहुत खूबसूरत तरीके से इसका समापन हो चुका है। बहुत ढेरों मतलब सैकड़ों लोग आए हैं आज इस कार्यक्रम को अनुभव देखने, और आज हमने 56 भोग का भी आयोजन किया था, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी कृपा हुई कि 56 से भी अधिक 108 से भी अधिक व्यंजनों का भोग लग रहा है उनके स्वयं, और ये सारा भोग हम आज जनता में बांटेंगे, और हम लोग बधाइयां भी बांट रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। कितने घंटे तक चला ये? और ये 72 घंटे और 15 मिनट अब तक कौन का रिकॉर्ड टूटा है? ये विश्व रिकॉर्ड टूट चुका है बिल्कुल। कौन सा उसमें आया? ये हमने गिनीज बुक में एप्लीकेशन दी है, लिम्का बुक्स में एप्लीकेशन दी है, और एशियन रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स में एप्लीकेशन दी है। इन तीनों जगह हमने एप्लीकेशन दी है। इसका 72 आवर्स का रिकॉर्डिंग है हमारे पास एज एन एविडेंस, तो ये हम लोग भेजेंगे, और डेफिनेटली हमको पूरा एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारे इसमें रिकॉर्डेड हो जाएगा। आपका गुड नेम? मेरा नाम रानू महेश्वरी, अध्यक्ष बेटिया पंछी एक डाल की।